सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। काफी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करी थी कि सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हाल ही में एग्जाम में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे और एक काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लगाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने क्रेजी जीके ट्रिक का ऐप डाउनलोड नहीं कराए तो फ्रेंड्स डाउनलोड कर लीजिए। जीके से रिलेटेड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेटेस्ट करंट अफेयर आपको ऐप में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिएगा, तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, जो एलिमेंट होते हैं उनके स्टडी को सरल बनाने के लिए एक समान गुण वाले, एक समान प्रॉपर्टी वाले तत्वों को एक साथ रखो और अलग अलग प्रॉपर्टी वाले तत्वों को अलग अलग रखने की व्यवस्था जो बनाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। समझ में आया आपको? जितने भी एलिमेंट हैं पृथ्वी पर, उन सभी एलिमेंट को सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहलाता है। तो इतिहास में बहुत सारे लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण करा, क्लासिफिकेशन किया, जिसमें सबसे पहले करा था डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया, उसमें काफ़ी कमियां निकली, उसके चलते वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद में न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने तत्वों का अष्टक नियम दिया। फिर आगे चलकर मेंडलीफ आए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रेजेंट करी, पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी, पीरियोडिक टेबल जो थी, उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, इस वजह से वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और उसके बाद सबसे लास्ट में फिर मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, को प्रेजेंट करा और वो सक्सेसफुल रही। उस पीरियोडिक टेबल में अच्छे से तत्वों का वर्गीकरण किया गया और हम आज जो पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार ही पढ़ते हैं और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम सभी की अच्छे से स्टडी करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेराइनर ने तत्वों, मतलब एलिमेंट को, तीन तीन के समूह में रखा। इन समूहों को क्या कहा गया, त्रिक कहा गया। इसीलिए यह सिद्धांत क्या कहलाया, त्रिक सिद्धांत कहलाया। त्रिक सिद्धांत किससे संबंधित है, डोबेराइनर से संबंधित है। डोबेराइनर ने समूह में तीन तत्वों को इस तरीके से रखा कि बीच वाले तत्व का एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान जो है, वो पहले और आखिरी, मतलब पहले और तीसरे तत्व के एटॉमिक मास के औसत के लगभग बराबर हो। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको एक ग्रुप में रखा गया। लिथियम और पोटेशियम का देखिए जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो सोडियम के एटॉमिक मास के लगभग बराबर आता है। तो इस तरीके से डोबेराइनर ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया, पर इस सिद्धांत की भी बहुत सारी कमियां निकली। सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमाया जा सकता। तो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत जो था, तत्वों को वर्गीकरण करने का जो तरीका था, वो क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद में कौन आए, देखिए फ्रेंड्स, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने क्या करा, अपना अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया। न्यूलैंड के समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड ने कहा था कि तत्वों की जो टोटल संख्या है वो कितनी थी, 56 थी। ओके, न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू करा और थोरियम तक इसको समाप्त करा। क्लासिफिकेशन में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से आठवें तत्व से गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टी में समानता रखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, लिथियम के बाद देखिए आठवें स्थान पर कौन आता है, सोडियम आता है। ठीक है, लिथियम से आठवें स्थान पर सोडियम। तो लिथियम और सोडियम दोनों के प्रॉपर्टी जो है, गुणधर्म है, वो लगभग क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूलैंड ने क्या करा, तत्वों का वर्गीकरण करा। पर न्यूलैंड के अष्टक नियम की भी बहुत सारी कमियां निकल कर आई। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद में यह नियम फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ 56 ही तत्व हैं, 56 ही एलिमेंट है, पर बाद में कई नए तत्वों की खोज हो गई। इस तरीके से न्यूलैंड ने जो तत्वों का वर्गीकरण करा था वो भी क्या हो गया, फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर आगे चलकर अगले वैज्ञानिक कौन आए, मेंडलीफ आए। मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से करा, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत करी।
जिसे क्या कहा गया, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। मेंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में मेंडलीफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल को प्रस्तुत करा था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले निर्माण किसने करा था, मेंडलीफ ने करा था। ओके, मेंडलीफ ने ही तत्वों को उनके गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी के अनुसार सिस्टमेटिक तरीके से वर्गीकृत किया। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एक टेबल में अरेंज कराए। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास पर फोकस कराए। क्लियर। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को ग्रुप मतलब वर्ग, पीरियड मतलब आवर्त में डिवाइड किया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त मतलब पीरियड थे। क्लियर। मेंडलीफ ने उस समय तक सभी ज्ञात तत्वों को शामिल करने के साथ साथ कुछ अज्ञात तत्व जिनकी खोज नहीं हुई थी उनके लिए अपनी टेबल में रिक्त स्थान भी छोड़ दिया था। पर मेंडलीफ ने जो तत्वों का वर्गीकरण करा इसकी भी बहुत सारी कमियां निकल कर आई। जैसे समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, ज्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखा गया, जैसे आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखना। आयोडीन का वेट कितना था, 126.92, टेल्यूरियम का वेट कितना था, 127.61, तो आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया, ये भी एक कमी निकल कर आई। तो ऐसे बहुत सारी कमियां निकल कर आई, तो मेंडलीफ का जो था तत्वों का वर्गीकरण करने का तरीका वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद आगे चलकर 1913 में हेनरी मोसले आए, उन्होंने एलिमेंट के एक नए गुण की खोज करी, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जिसे कहा जाता है। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार की बजाय मोसले ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत करा। मेंडलीफ ने क्या करा था, ध्यान रखिएगा, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार मतलब द्रव्यमान एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में उनको अरेंज करा, जबकि मोसले ने बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अनुसार वर्गीकृत कराए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले हमें तीन चीजों का आना बहुत ही जरूरी है। एक एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और किसी भी परमाणु तत्व का शेल स्ट्रक्चर जो कि मैं आपको बता चुका हूं आगे, वो किस तरीके से बनाया जाता है, ये आपको आना जरूरी है, तो आपका समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम इन तीनों टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी तत्व मतलब एलिमेंट के परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। बहुत ही सिंपल, जितने उस तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या है वही उस तत्व का क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। बहुत ही सिंपल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या भी बढ़ रही होगी, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये चीज समझ में आई। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूं पहले कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम समझते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए, एटॉमिक मास निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, एटॉमिक नंबर को जस्ट आप दुगना कर दो तो लगभग लगभग उस तत्व का एटॉमिक मास निकल कर आ जाता है। समझ में आया आपको, एटॉमिक नंबर को दुगना कर दो तो उसका एटॉमिक मास निकल कर आ जाता है, लगभग लगभग एटॉमिक मास निकल कर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालना आपको अच्छे से आ गया। अब हम तीसरी टर्म को डिस्कस करते हैं जो कि है शेल स्ट्रक्चर, किसी परमाणु तत्व का शेल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो ये भी मैं आपको, देखिए कार्बन वाला लेक्चर जो हमने डिस्कस करा था उसमें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि किसी भी तत्व के शेल में इलेक्ट्रॉनों को कैसे अरेंज करा जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि चार शेल होती है, के, एल, एम और एन। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हम समझते हैं कार्बन का शेल स्ट्रक्चर। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, मतलब इसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी न्यूक्लियस में, 6 होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। हमको 6 इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना है, तो कार्बन की पहली जो फर्स्ट शेल आई, के शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद देखिए सेकेंड शेल आई, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं, पर बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 आ गए। तो कार्बन स्टेबल कंडीशन में है क्या, नहीं है।
अगर इसका बाहर का ऑक्टेन कंप्लीट हो जाता, आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते तो कार्बन जो था वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता, ठीक है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि कार्बन क्या करता है, स्टेबल होने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये हम कार्बन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको शेल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो किसी भी तत्व का, परमाणु का आप शेल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ से मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिख रही होगी, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, और 7 हॉरिजेंटल रो हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है या फिर पीरियड कहा जाता है, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के एलिमेंट को जिन्हें लेंथेनाइट कहा जाता है, और परमाणु संख्या 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट को जिन्हें एक्टिनाइट कहा जाता है, आवर्त सारणी के नीचे दो अलग अलग पंक्तियों में रखा गया है। ये भी आवर्त सारणी का ही पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रखें, तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ बस उतना आप याद रखिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है, क्लियर। आजकल एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि पहले आवर्त में, पहले पीरियड में कितने तत्वों को रखा गया है, दूसरे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है, तीसरे पीरियड में कितने तत्वों को रखा गया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस आवर्त में कितने तत्व होते हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, दो होते हैं। दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8 होते हैं। चौथे आवर्त में कितने होते हैं, 18 तत्व होते हैं, 18 एलिमेंट होते हैं। पांचवें आवर्त में ये क्वेश्चन पूछा गया था CDS 2015-16 में, ध्यान रखिएगा, पांचवें आवर्त में कितने होते हैं, 18 तत्व होते हैं। छठे आवर्त में कितने एलिमेंट आते हैं, 32 एलिमेंट आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में आप देख पा रहे होंगे, छठे आवर्त में लेंथेनम के बाद देखिए 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। छठे आवर्त में कितने आते हैं, 32 तत्व आते हैं, और आखिरी जो बचा हुआ हमारा सातवां आवर्त है, उसके अंदर शेष बचे हुए तत्व आते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसका कोड आप ध्यान रख लीजिए, 288-18-18-32, 288-18-18-32, उस तरीके से आप बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। अब आगे देखिए, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको सिर्फ 5 वर्गों को दिमाग में रखना है। कौन कौन से 5 ग्रुप, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप नंबर पहला, इस ग्रुप के तत्वों को अल्कली मेटल मतलब क्षारीय धातु कहा जाता है। कौन कौन से तत्व आते हैं इसके अंदर, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप नंबर 1 में तत्व आते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल कहलाती हैं, क्लियर। मतलब हर एक आवर्त का, हर एक पीरियड का पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, अल्कली मेटल होगा, ये हमको देख के समझ में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, सेकेंड ग्रुप, जिसे क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु। इसके बाद आपको देखिए कौन सा ग्रुप याद रखना है, ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर 11, इस ग्रुप में आने वाले तत्वों मतलब एलिमेंट को क्या कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है। देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे इसी ग्रुप में रखे गए हैं। इसके बाद आता है देखिए इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 17, जिन्हें क्या कहा जाता है, हेलोजेंस कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों क्रियाशील होते हैं, देखिए फ्लोरीन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसका शेल स्ट्रक्चर देखोगे, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और आउटर शेल में देखिए सेकेंड जो शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसको, तो ये चाहता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से फटाफट मिल जाए, इसीलिए फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, पर इन सभी में सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप नंबर 17 के तत्व को क्या कहा गया है, हेलोजेंस कहा गया है, ओके। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इस ग्रुप के सभी तत्व जो होते हैं वो नमक बनाने में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला वर्ग, अगला ग्रुप कौन सा दिमाग में रखना है आपको, ग्रुप नंबर 18। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट का ग्रुप है, इसे शून्य समूह भी कहा जाता है। इस ग्रुप में नोबल गैसों को स्थान दिया गया है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे जो गैसेस हैं वो इसी ग्रुप में रखी गई हैं।
इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन में होते हैं। इन तत्वों को ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है और ना देने की जरूरत होती है, तो ये बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में होते हैं। तो 18वें वर्गों को क्या कहा जाता है? शून्य समूह कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उन्हें भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की बात करते हैं, तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? 118। ध्यान रखिएगा, 118 अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है जिन्हें पीरियोडिक टेबल में प्रस्तुत किया गया है। इसमें 98 जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो प्रकृति में नेचुरली अवेलेबल हैं, पर 20 तत्व ऐसे हैं जिन्हें आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, मैनमेड द्वारा बनाए गए हैं। 118 तत्वों में 91 मेटल हैं और 27 जो है वो नॉन मेटल हैं। क्लियर? तो ये तो हमने डिस्कस करा कि अभी तक कुल कितने तत्व हैं। अब आगे देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करते हैं, तो वो कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है? वो है ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ एलिमेंट पर अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु मेटल कौन सी है, तो वो कौन सी है दोस्तों? एल्यूमिनियम। दोनों चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व मेटल कौन सी है? एल्यूमिनियम है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, हम देख सकते हैं, तो इसका एटॉमिक मास भी जो है वो सबसे कम होगा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, तो सबसे हल्की मेटल कौन सी होती है? लिथियम होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सबसे भारी तत्व बात करते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो वो कौन सा है दोस्तों? अनअनोक्टियम है। अनअनोक्टियम जो है वो एक मैनमेड द्वारा बनाया गया है, प्रकृति में नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है ये, पर अगर नेचुरली अगर पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखिएगा यूरेनियम जो होता है सबसे हैवी तत्व होता है। सबसे हैवी तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। सबसे भारी धातु की बात करते हैं, ठीक है, मेटल की बात करते हैं, तो वो कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। सबसे भारी तत्व अनअनोक्टियम, मैनमेड द्वारा बनाया गया, पर अगर स्पेसिफाई करके एग्जाम में पूछ ले कि नेचुरली सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो कौन सा है? यूरेनियम है। सबसे भारी धातु की बात करें, मेटल की बात करें, तो कौन सी है दोस्तों? ऑस्मियम है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी किस तत्व की होती है? ऑस्मियम की होती है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी है? पारा है। और ऐसी अधातु, ऐसी नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है? ब्रोमियम। तो ये दोनों चीज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बट एग्जाम में आजकल क्या है, लेवल बढ़ा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका हमको आइडिया होना चाहिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इसे विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तत्वों की साइज जो होती हैं, एलिमेंट की साइज जो होती हैं, वो क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। जैसा कि आप पहला देखिए, ग्रुप देखिए, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहले ग्रुप के तत्व हैं। अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सभी के शेल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का शेल जो है वो एक है, लिथियम के देखिए एक शेल इंक्रीज हो गया, सोडियम की साइज देखिए यहाँ पर 3 शेल आ गई, पोटेशियम में देखिए यहाँ पर 4 शेल आ गई। तो शेल इंक्रीज हो रही है, मतलब साइज भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो ये तो समझ में आ गया कि टॉप टू बॉटम आने पर आवर्त सारणी में तत्वों की साइज जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। चलिए आगे हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों की साइज जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। दूसरा आवर्त आपको दिख रहा होगा, दूसरा पीरियड आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए सबसे पहला लिथियम, बेरेलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आ गए हमारे दूसरे आवर्त के तत्व, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में। अब इन सबके शेल स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, सभी एलिमेंट में शेल जो है वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। बेरेलियम में देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 4 है, तो न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या क्या होगी? 4 होगी।
क्लियर, यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या बढ़ गई। ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में प्रोटोनों की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर नाभिक में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो जो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, वो खींचेगा, पुल करेगा, साइज क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों की साइज जो होती है वो कम हो जाती हैं। जितना ज़्यादा नाभिक में, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो साइज कम हो जाएगी। तो हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों की साइज जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, कम हो जाती हैं। तो आपको एटॉमिक साइज समझ में आ गया। तो अगर एटॉमिक साइज से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो आप बिल्कुल इजीली बना पाएंगे। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है, ये हमको समझना जरूरी है। तो किसी तत्व परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने की या बोल सकते हैं ग्रहण करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। क्लियर। अब आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, कैसे वो हम आगे समझेंगे, और ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। साइज के जस्ट अपोजिट होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, साइज घट रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला वर्ग आप देख रहे होंगे, इस पहले वर्ग का तत्व है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो देखिए इसका शेल स्ट्रक्चर, इसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब लिथियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, 7 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि इसके आउटर शेल में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तभी लिथियम जो होगा वो स्टेबल कंडीशन में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी लिथियम की जो है वो कितनी है, कम है, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके स्टेबल होगा। अब अगला तत्व देखिए, वे ग्रुप का हमने लिया फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9 होंगे। तो देखिए इसका शेल स्ट्रक्चर, इसमें पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लोरीन को कम लग रहा है आउटर शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इसका आउटर शेल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लोरीन चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, और हमने देखिए ऊपर समझा लिथियम जो है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन लेने की तड़प सबसे ज्यादा किसको है, फ्लोरीन को है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। तो आपको ये चीज क्लियर हुई। तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ये चीज समझ में आ गई आपको, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो आई होप दोस्तों आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पूरी आवर्त सारणी में ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट होता है, फ्लोरीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने समझा, दोनों प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब देखिए फ्रेंड लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आपको सीधे डेफिनेशन ही पूछ ले, ठीक है, कि ये डेफिनेशन किसने दिए, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए जस्ट एक बार आप इसको रीड कर लीजिए कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होती है। और आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होती है, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होती है। क्लियर। तो बस आपको ये डेफिनेशन एक बार सुनना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, अच्छे से हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब बारी है टेस्ट लगाने की और एनालिसिस करने की जरूरत है कि आपने इस टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। तो चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, सबसे पहले वर्गीकरण किसने करा था, डोबेराइनर ने करा था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, त्रिक का नियम किसने दिया था, ट्रायड रूल किसने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का प्रतिपादन किसने किया था, किसने करा था, न्यूलैंड ने करा था, अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा था? मेंडलीफ ने करा था। उसके बाद में मोसले ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा था। सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने करा था। आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? मोसले ने दिया। तो डी आंसर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान से संबंधित है, तो यहां पर ए आंसर सही होगा। मोसले की जो आवर्त सारणी है वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर से संबंधित है, यहां पर मेंडलीफ पूछा है, तो परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 18 ग्रुप हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? पीरियड कुल कितने हैं? 7 आवर्तें टोटल। और किस आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 2, 8, 8, 18, 18 और 32, और लास्ट में शेष तत्व टोटल आ गए। ठीक है, तो ये आ गए हमारा पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो अगर आपसे पूछे कि पांचवें आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं, तो कितने होते हैं? 18 तत्व। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस काफी बन रहे हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के 11वें वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? हेलोजन, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये तीनों तो बिल्कुल गलत। निष्क्रिय तत्व, बिल्कुल अक्रिय तत्व इन्हें कहा जाता है। इनर्ट गैस जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है, शून्य समूह में रखा गया उन सभी को। तो डी आंसर यहां पर सही होगा। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु, देखिए सबसे भारी मेटल के बारे में पूछा है, कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? ऑस्मियम की होती है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? मेटल कौन सी होती है? लिथियम होती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, ये हम पूरा समझ चुके हैं अच्छे से। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व है कौन सी? धातु तत्व है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व पाया जाता है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन, मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल का आखिरी वर्ग, सबसे लास्ट ग्रुप कौन सा होता है? अक्रिय गैसों का, निष्क्रिय गैसों का होता है। तो निष्क्रिय गैसों का सदस्य आता है सबसे आखिरी में आवर्त में। ठीक है, पीरियड का सबसे अंतिम सदस्य कौन होगा? निष्क्रिय गैस होगा। तो यहां पर देखिए सी आंसर, एक निष्क्रिय गैस होता है अंतिम सदस्य, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? क्षार धातु होती है, अल्कलाइन मेटल होती है। ए आंसर। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32 और बचे हुए, तो दूसरे आवर्त में कितने आते हैं? 8 आते हैं। बी आंसर सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? पांचवें आवर्त में कितने होते हैं? 18 तत्व होते हैं, मतलब सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हेलोजेंस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने एनालिसिस करा होगा कि इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस देखिए घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया अगर आप उतना कवर करते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।